आज एक नया रेसिपी फिर लेके आए हैं। आज हम सैंडविच बनाने जा रहे हैं। इसका पहले भी एक तो आलू डाल के सैंडविच बनाए थे, वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अब आज हम जा रहे हैं सैंडविच बनाने। यह थोड़ा लिया है खीरा, लिया है टमाटर, प्याज, चुकंदर, एक हरा मिर्च लिए हैं, बेसन लिए हैं, इसमें घोल के बनाएंगे। देखिए अब बेसन को हम घोल लेते हैं। देखिए हरा इतना हल्दी पाउडर डाल देते हैं, इसमें थोड़ा लाल मिर्चा वाला पाउडर डाल देते हैं, ये धनिया पाउडर डाल देते हैं, ये जीरा गोलके का पाउडर है, सब डाल के इसे घोल बना लेते हैं। इसमें नमक भी, नमक तो स्वाद के अनुसार डालिएगा, जो जैसा खाइएगा उस तरह डालिएगा। इसे डाल के अब सबको हम घोल बना लेते हैं। एक गिलास यहाँ पानी लिए हैं, यहाँ ब्रेड लिए हैं, इसी को सबको मिला के बनाते हैं। देखिए आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे घोल लेते हैं। हम घोल बना लिए, इस तरह घोल बना लेना है। इसे अब हम गरम करते हैं, चूल्हा सुलगाते हैं। इसे तावा गरम करके कम तेल मसाला में बनाएंगे, घर के सामग्री से ही बना देते हैं। ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन में क्या करें, दोपहर के नाश्ता बनाने जा रहे हैं। देखिए इसमें इसको डाल दिए हैं, थोड़ा सा हल्का तेल इसमें डाले हैं, इस तरह इसे डाल के इस तरह डालना है। अब इसे धीमे धीमे आंच में थोड़ा पका लेते हैं। थोड़ा सा हल्का तेल ऐसे डालेंगे, कम तेल में बनाते हैं हम, कोई भी खाना कम तेल में बनाना चाहिए। देखिए अब इसे आराम से हम इसे पलट देते हैं। देखिए इस तरह से पलट दिए, इस पर ऐसे ऐसे डाल के थोड़ा प्याज, थोड़ा खीरा डाल देते हैं, थोड़ा चुकंदर डाल देते हैं, ये टमाटर है, ऐसे ऐसे डाल देते हैं, इस तरह डाल के एक मिर्चा डाल देते हैं थोड़ा सा, इस तरह इस पर डाल के थोड़ा इस पर ऐसे डाल देते हैं, तो उलट के इसे सिझाएंगे, थोड़ा सिझने में आराम होगा। इस तरह से हम सैंडविच बना रहे हैं, जरूर आप लोग को पसंद आएगा। उलट देते हैं थोड़ा, देखिए इस तरह इसे सिझा लेते हैं उलट के। तेल डाल देते हैं, देखिए ऐसे घुरा घुरा के तेल डाल के इसे सिझा देते हैं। देखिए ये बिल्कुल, ये कितना अच्छा देखने में बन गया इस तरह। अब इसको इस तरह हम कर देते हैं, इस तरह इसे मोड़ देते हैं, इस तरह सब। कोई गेस्ट आता है तो इसे नाश्ता देने में इसे अच्छा लगता है, इस तरह इसे थोड़ा सा और सिझा लेते हैं, एक मिनट और इसे सिझा देते हैं। इस तरह अब ये तैयार हो गया, अब हम इसे निकाल देते हैं। ये सैंडविच तैयार हो गया, देखिए इस तरह। अब इसी तरह सारा को पका लेंगे। देखिए मेरा सैंडविच अब तैयार हो गया, कितना बढ़िया बना है ये तो। अब आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रहा होगा, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल पर और लाइक कर दीजिएगा।